प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति नायक शंकर शाह व रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण पर शहडोल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, जैतपुर विधायक मनीषा सिंह, विधायक जय सिंह मरावी, ब्योहारी विधायक शरद कोल एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमित चपरा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वहीं 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। साथ ही 1 नवंबर से जनजातीय भाइयों बहनों के लिए राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ होगा। भारत के जितने भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, भारतीय जनता पार्टी उन सभी का ऋणी रहेगा। करनी कार में सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर 111 नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए लक्ष्य लिया था, जिसमें हमारे बूथ के जितने भी अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, माइक के माध्यम से, लोगों के संपर्क करने के माध्यम से, सभी प्रकार के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने में वो किए हैं। और आप सभी का सहयोग प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मंडल अध्यक्ष इस कार्य में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो भी 18 नवंबर को जोधपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और इस बलिदान दिवस में हमारी आदिवासियों की, ट्राइबल्स की मांग थी कि यह सारा अधिकार पंचायत को मिलना चाहिए। तो वह अधिकार भी वन प्रबंधन का हमारे ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जैसे कि हमारे जिस तरह से उन्होंने महत्व दिया और जिस तरह से उनके लिए उन्होंने किया, वह उस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही हम लोग सभी जान गए होंगे और वह मीडिया में भी आ गया है। और निश्चित ही हम लोग यह भी जानते हैं कि सरकारें बहुत सारी आई और गई होंगी, लेकिन जिस तरह से चिंता समाज के लिए, हर वर्ग की चिंता जो जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, निश्चित यह एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय कार्य है। और इसमें हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ट्राइबल्स को हमारे भाई बहन काल कवलित हो जाते हैं, उन समस्याओं को देखते हुए जो पोषण आहार की व्यवस्था की जाएगी, निश्चित ही यह एक बहुत अच्छी योजना होगी, जिससे कि पार्टी की सरकार में निश्चित ही हर वर्ग को लेकर समाज के लिए काम करना है, समाज के निचले वर्ग तक जाना है। यह हमारा आज प्रधानमंत्री के जन्म उत्सव के कार्यक्रम के तहत भी हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर तक अनुत्सव के कार्यक्रम तक यह कार्यक्रम चलेंगे, और जिसमें हम हर एक दिन समाज के लिए क्या करना चाहिए, हर एक कार्यक्रम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तहत बनाया है, और निश्चित ही यह नीचे तक जाएगा। और यह हम सभी कार्यकर्ताओं का ही मेहनत है, हम सभी कार्यकर्ताओं के का लगन है कि हम सभी यह काम बहुत मतलब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं जनजाति कार्य विभाग को जिस तरह से बजट 948% की वृद्धि की गई है, उस वृद्धि में इस योजना के तहत 700 करोड़ बजट जो पहले मिलता था उसको बढ़ाकर 800 करोड़ 85 रुपए जिस तरह से दिया गया है, निश्चित ही इस ट्राइबल्स विभाग के लिए बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे समाज के किनारे रहता है, वह बिल्कुल हर योजनाओं से पिछड़ जाता है, और इस राशि के माध्यम से ही ट्राइबल्स विभाग के द्वारा एक काम करने का, अच्छा समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा।